Hello, my dear young viewers, my dear friends and scholars. You are most welcome in my channel, Nayab Thoughts in English. And thanks for your cooperation and support. और मेरे चैनल को व्यू लगातार करती रहिए. और मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जिससे कि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके. और अगर आपको कोई भी नई चीज़ अगर आपको चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. और मेरा जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, मुझे पता है आपके एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं और सभी के एग्ज़ामिनेशन में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आती है, रादर स्टोरी राइटिंग आती है, तो वो आज मैं आपको वही डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ कि शॉर्ट स्टोरी को जो है वो कैसे लिखें हम. तो शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ टेंस ज़रूरी होते हैं, तो वही मैं आपसे डिस्कस करूँगी. और स्टोरी को लिखने में या कॉम्पोजिशन को लिखने में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. बस हाँ, आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पास मैटर होना चाहिए और आपके पास कुछ मेन वर्ब्स होनी चाहिए जिससे कि आप उसको अच्छे से थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाएँ, थोड़ा अपने जो व्यूज़ हैं, जो आपने आपके आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाएँ. डोंट बॉदर अबाउट द टेंसेस. ओके, नाउ इंग्लिश राइटिंग स्किल के अंदर स्टोरी राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे बताऊंगी स्टोरी राइटिंग करने का. अभी आपको उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्टोरी राइटिंग के लिए, जैसे कि हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं और थोड़े से रिजिड होते हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं है. रिजिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है ग्रामर जो रूल्स हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, लेकिन रिजिडिटी जो है वो फ्रूटफुल होती है, ऐसा नहीं है. और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी एक स्टोरी के एग्जांपल दूंगी और उसमें टेंसेस भी क्लियर करती चलूंगी और पिक्चर के साथ में आउटलाइन है, बंच ऑफ सम कीवर्ड्स हैं जिससे कि आप स्टोरी को कैसे जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लूंगी वो द रैट एंड द लॉयन स्टोरी का, जो बड़ी फेमस स्टोरी है, आपको अच्छे से पता है कि बहुत फेमस स्टोरी है. तो यहाँ पर जो स्टोरी राइटिंग है उसके बेटा कुछ एलिमेंट्स होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. उसका फर्स्ट एलिमेंट है प्लॉट. जो स्टोरी है उसका जो प्लॉट है कि आपको एक्चुअली स्टोरी में लिखना क्या है, उसकी बिगनिंग, मिड और एंड कैसे करना है, स्टोरी का थीम क्या होना चाहिए और स्टोरी जो है वो एक्चुअली आप उसमें क्या देना चाहते हैं. किसी को कोई टीचिंग प्रीचिंग देना चाहते हैं, मॉरल की स्टोरीज़ अलग होती हैं और कई स्टोरीज़ होती हैं, ज़्यादातर उनमें मॉरल किसी में नहीं होता, लेकिन पंचतंत्र की जितनी भी स्टोरीज़ हैं या ये सब फेबल्स हैं इनके अंदर मॉरल होते हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें गाइड करते हैं और एक लैंप का काम करते हैं. स्टोरी में दूसरी बात है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको कैरेक्टर्स जितने कम होंगे उतना ज़्यादा इट विल बी बेटर. और अगर आपने ज़्यादा कैरेक्टर्स ले लिए तो ज़्यादा कैरेक्टर्स में क्या होगा कि आपको उनको डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और कैरेक्टर्स जो हैं जो भी सुनने वाले या पढ़ने वाले हैं उनको भी भूल जाएगा कि कौन से कैरेक्टर का क्या रोल है. जितने कम कैरेक्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा पावरफुल स्टोरी बनेगी. कैरेक्टर्स कैन बी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. कैरेक्टर कोई भी हो सकते हैं. नाउ स्टोरी की जो बिगनिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बिगनिंग से क्या होता है कि क्यूरियोसिटी जो है वो लगातार बनी रहती है. कहानी में एक आध जगह ट्विस्ट होना चाहिए. ट्विस्ट का मीनिंग होता है कि ऐसा स्पॉट जहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट हो जाए और सस्पेंस से क्या होता है लोगों के दिलो दिमाग में ये रहता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो वो उस कहानी को पूरा देखते हैं और पढ़ते हैं. नेक्स्ट है एंड. कहानी के दो तरह के होते हैं, या तो कॉमिक होता है या फिर ट्रैगिक होता है. कॉमिक जो होता है वो हंसी खुशी से भरा एंड होता है और जो ट्रैगिक होता है वो दुख से भरा एंड होता है.
तो कहानी के अंदर मॉरल जो है वो किसी किसी कहानी में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचतंत्र की जो स्टोरीज होती हैं उनके अंदर जो है मॉरल होती हैं, और मॉरल जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है, दैट इज़ टेंसेस। और स्टोरी में जो ज़्यादातर टेंसेस यूज़ होते हैं वो बेटा पास्ट इनडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यू वॉज वर्ब प्लस वी वन आई एन जी। क्यों? क्योंकि हम स्टोरी के अंदर हर चीज़ को जो बीती हुई होती है, आपको चाहे कैसा भी आपको यूज़ करना हो, आपने हर हालत में पास्ट इनडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपने इतना ही यूज़ करना है। सेंटेंसेस को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, आपको कनेक्टर नहीं यूज़ करने, जब तक यूज़ करने नहीं आए बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस रखिए, और आउटलाइन वाली स्टोरीज़ में आपके पास में मेन वर्ब अवेलेबल होती हैं, इसलिए डोंट वरी कि आपको मेन वर्ब ढूंढनी है। कहानी में कोई भी अननेसेसरी इवेंट आपको नहीं जोड़ना, हाँ आप एक या दो लाइन अपने आप से ऐड करनी होती है जिससे कि आउटलाइन के बीच में एक बॉन्ड बना रहे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द स्टोरी द लॉयन अ लॉयन एंड द रैट। ओके, नाउ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, एक शेर बहुत गुस्से में है और उसके सामने देयर इज़ अ रैट एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग, रैट जो है डर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। तो क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट वाले में देखिए, अ लॉयन वॉज स्लीपिंग। अब यहाँ से स्टोरी ना ऐड करके हमने स्टोरी को स्टार्ट कहाँ से करना है, वंस देयर वॉज अ लॉयन, ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल एंड ही वॉज स्लीपिंग। Suddenly, a small rat jumped on him. Now the lion woke up and he roared and ready to eat the small rat. Now, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देखिए verb की second form लगाती जा रही हूँ। A lion was sleeping, was add किया है क्योंकि was verb even ing. A small rat jumped, verb की second form. Lion woke up, second form. And was ready to eat, past indefinite भी होता है was verb. Now next पे आइए, देखिए the rat was afraid. जो rat है वो डर गया. He requested the lion not to eat him. He told one day he would help him. उसने क्या कहा कि एक दिन वो उसकी सहायता करेगा, क्योंकि ये लाइन फ्यूचर टेंस में है, इसलिए आपने स्टोरी के अंदर वुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। He told the lion one day he would help him. फिर देखिए the lion made fun of him, चाहे mocked कर लीजिए चाहे made fun of him, and laughed at the rat. और वो हंसने लगा, हा हा हा, कि तुम मेरी क्या सहायता करोगे, क्यों? क्योंकि लॉयन को लगा that the rat, he was such a small creature, इतना छोटा creature मेरी क्या सहायता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Now and but out of mercy he let the rat go, लेकिन दया और भावना, उसने दया और भावना इसको दिखाई, प्यार दिखाया उसके ऊपर कि छोटा सा क्रिएचर है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए उसने उसको रैट को जाने दिया। लेकिन क्या हुआ एक दिन, वन डे द लॉयन वॉज कॉट इन द नेट स्प्रेड बाय हंटर। अब ये पास्ट इंडेफिनेट का बच्चे वॉइस है, एक आधा लाइन ऐसे यूज़ करनी पड़ती है आपको, लेकिन थ्रू आउट पास्ट इंडेफिनेट ही एक्टिव पैसिव दोनों में आप यूज़ करेंगे। One day the lion was caught in the net spread by the hunter. The lion roared for the help. Lion जो है वो बहुत तेज से दहाड़ने लगा सहायता के लिए। The rat heard the sound. और rat को तो पता था ये किसकी आवाज़ है, और उसने जो था आवाज़ सुनी, and the rat ran for the help. और दौड़ पड़ा, ran again second form, दौड़ पड़ा उसकी सहायता करने के लिए। The rat cut the net,
अब यहाँ पर देखिए जो शेर है उसको जो था दैट टोटली यहाँ ट्विस्ट है, अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ पर भी एक जगह ट्विस्ट आया था जहाँ पर उसने उसको छोड़ा था, एकदम खाने लगा था लेकिन तब उसने उसे छोड़ दिया था। तो जब छोड़ दिया और उसने ये भी कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो वहाँ कहानी में ट्विस्ट है कि रीडर्स जो हैं, जो लिसनर है, वो ये सोचेंगे कि एक छोटा सा चूहा इसकी कैसे हेल्प करेगा। नाउ द रैट कट द नेट, कट इज़ द सेकेंड फॉर्म, और रैट ने नेट को काट दिया विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, एंड फ्रीड द लॉयन, अगेन फ्रीड सेकेंड फॉर्म, और लॉयन को क्या किया, आज़ाद कर दिया। नाउ द लॉयन वॉज वेरी हैप्पी, द लॉयन फेल्ट सॉरी, और लॉयन को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही थैंक द रैट, उसने थैंक अगेन सेकेंड फॉर्म, उसने रैट को धन्यवाद किया। बोथ बिकेम फ्रेंड्स, बिकेम अगेन सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्टोरी का मॉरल है बेटा, वो लव एंड काइंडनेस, उसने जो उसको लव प्यार उसके ऊपर दर्शाया, काइंडनेस जो लॉयन ने दया दिखाई, आर नेवर वेस्टेड, कभी भी बेकार नहीं जाती। इसका और भी मॉरल बन सकता है डू गुड हैव गुड, कि आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा ही मिलेगा। एक और मॉरल है काइंडनेस नेवर गोज अनरिपोर्टेड, हमारी जो दया है वो कभी भी बिना पुरस्कार के नहीं जाती। तो ये जो मॉरल होते हैं कहानी के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको हमें कंसीडर करना चाहिए, अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, इसीलिए मॉरल स्टोरीज़ होती हैं। तो आपने इस टाइप से स्टोरी लिखनी है, स्टोरी के टाइप होते हैं, कभी पिक्चर ही आ जाती है सिर्फ। तो आपके जो लेसन नंबर 3 है, जो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट है, उसमें ये राइटिंग कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, और लैम्प एंड द गॉड का उसमें दिया हुआ, उसमें पिक्चर्स बनी है, नीचे डायलॉग्स हैं, आप इसी तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पिक्चर्स और डायलॉग और पूरी कंप्लीट स्टोरी अपनी कम्युनिटी में पोस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहाँ से जा कर के उसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।